हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, इसका मतलब कि वहाँ पर भी टू पेरेंट्स नीडेड है, जिसमें एक हो जाएगा मेल और एक हो जाएगा फीमेल। तो अब इन दोनों में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखने को मिलेंगे, यानी कि इनके जो ऑर्गन देखने को मिलेंगे, वह भी क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे। तो उसमें एक ऑर्गन जो होगा वो क्या करेगा, इस तरह से उनके गैमेट्स, यानी कि मेल में मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा तो फीमेल में फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, इस गैमेट को हम जर्म सेल भी बोल सकते हैं। ओके, तो अब देखते हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऐसे कौन से ऑर्गन, कौन सा ऑर्गन है जो इस तरह से मेल जर्म सेल प्रोड्यूस करता है, और उनके डिलीवर करने वाले ऑर्गन कौन से हैं जिनके थ्रू वो क्या हो सके, वो दोनों डिलीवर होकर एक दूसरे को फ्यूज कर सके, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो सके। ठीक है, तो फर्स्ट जो द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पोर्शन विच प्रोड्यूस द जर्म सेल एंड अदर पोर्शन दैट डिलीवर द जर्म सेल्स ऑफ दिस साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो ये इसमें दो तरह से डिवीजन किया हुआ है कि एक जो जर्म सेल प्रोड्यूस करते हैं वह, और दूसरे जो जर्म सेल को डिलीवर करने में हेल्प करते हैं, यानी कि किसके लिए, फॉर फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, तो अब इसमें फर्स्ट पार्ट देखते हैं, फर्स्ट ऑर्गन देखते हैं, जो क्या है, टेस्टिस, जो क्या हो जाएगा, जर्म सेल को प्रोड्यूस करने वाला ऑर्गन। ठीक है, तो अब ये टेस्टिस जो होते हैं वो कहाँ पर पाया जाएगा, तो बिलो एब्डोमिनल कैविटी। ओके, तो एब्डोमिनल जो है उसके बिलो पाया जाएगा, नीचे। ठीक है, और वो जहां पर प्रोटेक्टेड है उस पार्ट को बोला जाएगा स्क्रोटम। क्या बोला जाएगा, स्क्रोटम। यानी कि यहाँ पे, यहाँ फिगर में भी देख सकते हैं, जो टेस्टिस करके आपको दिखाया है, तो टेस्टिस के सराउंडिंग जो लेयर आपको बनी हुई दिख रही है तो उसे बोला जाएगा स्क्रोटम। ठीक है, और इस टेस्टिस के थ्रू क्या होगे, तो जर्म सेल प्रोड्यूस होगे, और उस जर्म सेल को बोला जाता है स्पर्म। उसे क्या बोला जाएगा, रिप्रोडक्टिव सेल को बोला जाता है स्पर्म, बोला जाता है किसके अंदर, मेल के अंदर। ओके, जो आप ये प्रीवियस क्लासों में भी पढ़ के आए हैं। ओके, अब ये जो टेस्टिस होते हैं वह दो होते हैं, यानी कि अ पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट है ये स्क्रोटम में। ओके, तो देख लेते हैं अब इस सेंटेंस को। तो इन मेल टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल, बिलो द एब्डोमिनल कैविटी, आउटसाइड तो बट बिलो द एब्डोमिनल कैविटी इन स्क्रोटम, बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर लोअर टेम्परेचर। अब इसका रीजन भी यहाँ पर दे दिया है, क्या है कि जब स्पर्म फॉर्मेशन में कैसा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, कम, यानी कि लोअर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होगा नॉर्मली क्या 37 डिग्री सेल्सियस होगा, तो उसके अकॉर्डिंग 2 या 3 डिग्री सेल्सियस लोअर होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, तो उस टाइम वो क्या कर सकते हैं, कम होने से, यानी कि वह स्पर्म प्रोड्यूस कर सकते हैं, कौन, टेस्टिस। ठीक है, और इसके साथ साथ ये टेस्टिस ओनली फॉर रिप्रोडक्टिव सेल ही प्रोड्यूस नहीं करता, बट जो प्यूबर्टी के वक्त मेल के अंदर जो चेंजिंग देखने को मिलते हैं, यानी कि एक एडोलेसेंट में जो डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो वो भी किसकी वजह से, तो यहाँ टेस्टिस के थ्रू कुछ एक हॉर्मोन्स जो सेक्रेट किया जाता है, इनकी वजह से मेल में, यानी कि बॉयज में बदलाव देखने को मिलेंगे एक यंगनेस के। ठीक है, और वो कौन सा हॉर्मोन्स होता है, तो वो होता है टेस्टोस्टेरोन। क्या हो जाएगा, वह हॉर्मोन्स टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। तो टेस्टिस क्या करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड हॉर्मोन्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन आल्सो फॉर्म फॉर अ टेस्टिस। तो टेस्टिस के थ्रू स्पर्म भी प्रोड्यूस होते हैं एंड हॉर्मोन्स भी सेक्रेट होते हैं। ठीक है, और अभी टेस्टोस्टेरोन का कैरेक्टर क्या हो जाएगा, तो टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल कैरेक्टर ऑफ
कैरेक्टर ऑफ प्यूबर्टी इन मेल। तो मेल में जो प्यूबर्टी के वक्त जो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलती है वह किसकी वजह से, तो इन्हीं टेस्टोस्टेरोन से प्रोड्यूस होती है, यानी कि चेंजिंग होने के स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये बात थी टेस्टिस के बारे में। ओके, तो टेस्टिस अ पेयर ऑफ टेस्टिस पाई जाएगी स्क्रॉटम में, और वो कहाँ पे होता है, बिलो आउटसाइड दी बिलो दी एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं वास्ट डिफरेंस। तो वास्ट डिफरेंस यानी कि इसे आप प्रीवियस क्लास में स्पर्म डक्ट बोलते थे, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, स्पर्म को डिलीवर करने वाला एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, तो द स्पर्म्स फॉर्मेशन, द स्पर्म फॉर्मड फ्रॉम टेस्टिस। तो वो तो हमें पता चल गया है कि स्पर्म कैसे कहाँ से फॉर्म होगा, तो टेस्टिस से। तो उसे डिलीवर कहाँ किसके थ्रू होगा, तो डिलीवर थ्रू वास डिफरेंस। ठीक है, और अब ये वास डिफरेंस यूनिट विथ अ ट्यूब कमिंग फ्रॉम यूरिनरी ब्लैंडर। तो अब ये जो वास डिफरेंस है वो फिर एक टाइम एक पार्ट पर क्या होती है, जो यूरिनरी ब्लैंडर की जो ट्यूब्स होती है जो यूरिन वहाँ से प्रोड्यूस होगा, तो वो दोनों वहां पर क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है, कंबाइन हो जाती है। ठीक है, तो फिर थस इन मेल यूरेथ्रा, तो इस तरह की कॉम्बिनेशन जो ट्यूब है उसे क्या बोला जाएगा, यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा फॉर्म अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म्स एंड यूरिन, यानी कि वहां पर स्पर्म भी रिलीज होकर आगे जाएगा एंड डिलीवर होगा, एंड यूरिन भी डिलीवर होता है वहां पर। ठीक है, अब इसके बाद कि जो अलोंग दी पाथ ऑफ वास डिफरेंस ग्लैंड लाइक प्रोस्टेट एंड सेमी सेमिनल वेसाइकल। तो अब इसके साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दो तरह की आपको ग्लैंड देखने को मिलेगी उनके ट्यूब के साथ। तो एक हो जाएगी सेमिनल वेसाइकल और दूसरी हो जाएगी प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके, तो इनके थ्रू भी क्या होता है कि जो सेक्रेशन किया जाता है, यानी कि वो जो सेक्रेशन करते हैं वो ये जो स्पर्म होता है उसे यूजफुल होता है, यानी कि एक तो इजीली ट्रांसपोर्ट वो कर सके उसके लिए, एक यानी कि एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस हो जाएगा, और इनके थ्रू स्पर्म को न्यूट्रिशन भी मिलता है, यानी कि उसके थ्रू उसे क्या मिल जाएगा, न्यूट्रिशन। तो प्रोवाइड न्यूट्रिशन अप टू दी स्पर्म। तो अलोंग दी पाथ ऑफ वास डिफरेंस ग्लैंड लाइक प्रोस्टेट एंड द सेमिनल वेसाइकल एंड देयर सेक्रेशन सो दैट स्पर्म्स आर नाउ इन फ्लूइड वेयर मेक देयर ट्रांसपोर्ट इजियर। तो ये जो स्पर्म होते हैं उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा, यानी कि उनके भी थ्री थ्री पार्ट हो जाएंगे। कौन से, तो एक हो जाएगा हेड, हो जाएगा एक हो जाएगा हेड, फिर हो जाएगा मिडल पीस, इस तरह से मिडल पीस हो जाएगा, और उसमें फिर टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो उन्हें मूवमेंट करवाने में हेल्प करता है। ऐसा आपने 8th स्टैंडर्ड में भी फिगर देखा होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी टेल, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, टेल, ये हो जाएगा मिडल पीस और ये हो जाएगा हेड। ओके, तो अब ये टेल इनके पास होने का रीजन क्या है कि ये मूवमेंट मूव हो सके, क्योंकि इन्हें फर्टिलाइजेशन एग की ओर डिलीवर होना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, उसे फ्लो होते रहना यानी कि मूव होते रहना पड़ेगा। तो ये टेल्स के थ्रू क्या होते हैं, मूव फॉरवर्ड होते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और अब इन्हें मूव होने के लिए जो मीडियम चाहिए वह मीडियम कहाँ से मिलेगा, यानी कि ये जो फ्लूइड सब्सटेंस कहाँ से मिलेगा, तो इन्हीं ग्लैंड के थ्रू, यानी कौन सी, प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसाइकल। ठीक है, तो इन्हें एक फ्लूइड की एक मीडियम भी मिल जाती है, तो इसकी वजह से वह ट्रांसपोर्ट भी इजियर हो जाएंगे, एंड इसके साथ साथ उसमें से न्यूट्रिशन भी मिलते रहते हैं, क्योंकि वह भी एक क्या हो जाएगी, सेल है, तो उन्हें भी न्यूट्रिशन चाहिए, तो वो भी कहाँ से प्रोवाइड हो गए, इन्हीं फ्लूइड में से उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड होते हैं। ठीक है, फिर स्पर्म्स एंड द स्पर्म, तो स्पर्म यानी कि स्पर्म हो जाएगा एक मेल गैमेट, हो जाएगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, या फिर मेल जर्म सेल हो जाएगा। तो
तो द स्पर्म आर टाइनी बॉडी द कंसिस्ट ऑफ मेनली जेनेटिक मटेरियल डीएनए। तो इसके पास क्या पाया जाएगा? जेनेटिक मटेरियल डीएनए, किसका? मेल का। एंड इसके साथ साथ अ लॉन्ग टेल दी हेल्प देम मूव टुवर्ड दी फीमेल गैमेट। ठीक है, तो जो फीमेल गैमेट जो होता है, यानी कि उसे बोलना हो तो एग सेल बोलते हैं या फिर ओवियम भी बोला जाता है। ठीक है, तो उससे उसकी ओर जाने के लिए उसकी जो क्या कैसी कौन सी स्ट्रक्चर होती है, तो लॉन्ग टेल लाइक स्ट्रक्चर से वह आगे की ओर फॉरवर्ड हो सकता है, मूव हो सकता है। ठीक है, तो ये बात थी यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सेल, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो ये सब नोट कर देना है, और इसके साथ साथ इसकी फिगर भी ड्रॉ करने की आती है, तो फिगर के साथ पूरा एक्सप्लेनेशन आना चाहिए। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसके मेन जो हो जाएंगे टेस्टिस, वास डिफरेंस, और फिर हो जाएगा सेमी यूरेथ्रा, यानी कि वो जो दो, यानी कि जो यूरिन एंड स्पर्म दोनों को क्या करता है, वहाँ से डिलीवर करता है। ठीक है, और उसके बाद ये जो पेनिस है, तो पेनिस एक वहाँ से जो फीमेल बॉडी होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो ऑर्गन होता है, वहाँ पर ये स्पर्म को रिलीज कर सकता है। ठीक है,